हे गाइस, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ सत्यम वचन। अगर आपने पहले दो एपिसोड नहीं देखे तो प्लीज़ गो चेक इट आउट, क्योंकि उससे आपको मेरा पर्सपेक्टिव क्लियर होगा कि मैंने सत्यम वचन सीरीज़ क्यों शुरू करी है। क्योंकि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, सॉल्व तो नहीं बट आपको गाइडेंस देने के लिए कि हाँ यार, ये दिस इज़ द राइट पाथ टू लीड अ लाइफ, लीड अ गुड लाइफ। क्योंकि जब आप डिप्रेशन में होते हो या जब आपको कुछ समझ नहीं आता लाइफ के अंदर कि क्या करना क्या नहीं करना, सो एक डिसीजन जो लेने होते हैं उसके मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम द प्रो और एक्सपर्ट और वट एवर, बिकॉज आई हैव बीन इन टू डिप्रेशन फॉर 6 ईयर्स, और क्योंकि आई एम टेलिंग यू दैट आई हैव बीन इन टू डिप्रेशन फॉर 6 ईयर्स, सो आई हैव नो पॉइंट टू जज यू। अब ये जो हमारा टॉपिक है वो है हैप्पीनेस, कि हम हैप्पीनेस कहाँ पर ढूंढते हैं, हैप्पीनेस है क्या, खुशी है क्या। सो स्टे ट्यून। हमारे जो पहले दो एपिसोड थे, पहला सोशल मीडिया के बारे में था, सेकंड हमारे प्रायरिटीज के बारे में था, थर्ड हैप्पीनेस के बारे में है। तो ये जो भी आगे भी जो भी वीडियोस आएगी जिससे टॉपिक्स के बारे में आएगी, वो सब मर्ज्ड है एक के अंदर एक। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियोज़ आती जाएगी, वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा कि हाँ, एवरी पीस ऑफ द पजल विल फिक्स। सो आपकी लाइफ बहुत इंप्रूव होगी, दैट्स वॉट आई वॉन्ट, दैट्स वाई हैव स्टार्टेड दिस सत्यम वचन सीरीज। सो हमारा टॉपिक अभी का है हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस सबके लिए अलग अलग होती है यार। मेरे लिए हैप्पीनेस है कि भाई मेरे को काम से खुशी मिलती है, किसी के लिए हो सकता है कि सिर्फ पैसे कमाने हैं, किसी के लिए हो सकता है कि फेम कमाना है, फेम से खुशी मिलती है, किसी के लिए अटेंशन से खुशी मिलती है कि हाँ मुझे अटेंशन मिल रही है। सो हैप्पीनेस सबके लिए अलग अलग है, ये मैं सबसे पहले सेट करना चाहता हूँ चीज़ यहाँ पर। सेकेंडली, अगर सबके लिए हैप्पीनेस अलग अलग है, तो अगर कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा है कि हाँ भाई मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ और मैं इतना खुश हूँ, सो आप उस चीज़ के पीछे क्यों भाग रहे हो, या मैं ये चीज़ कर रहा हूँ लाइफ के अंदर, या मैंने ये चीज़ खरीदी है, या मैंने कुछ भी खरीदा है या कुछ भी करा है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें कुछ भी करी हैं और मैं सोशल मीडिया पर डाल रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर सब कुछ हो रहा है आजकल, है ना। तो सोशल मीडिया पर डाल रहा हूँ, आप सोशल मीडिया पर अपने फ्रेंड्स को फॉलो कर रहे हो और वो सभी वो चीज़ें कर रहे हैं और आपको लगता है यार हाँ मैं ना अभी खुश नहीं हूँ इतना, बट अगर मैं ये करूँगा ना तो शायद मुझे खुशी मिलेगी, तो उस चीज़ के पीछे भागते हो। पर वो करते हो ना, आपको खुशी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि वो हैप्पीनेस का रीज़न सिर्फ उसके लिए था, और वो भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो खुश है कि नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे सब फेक करते हैं मोस्टली। अभी भी मास स्केल पर लोग को नहीं पता कि उनको लाइफ से चाहिए क्या। सो हैप्पीनेस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ के अंदर, कि जब तक आप खुश नहीं होगे आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी। तो जैसे मेरे लिए हैप्पीनेस है कि भाई मुझे काम करने से खुशी मिलती है, मुझे लोगों की हेल्प करने से खुशी मिलती है, दैट्स आई स्टार्टेड दिस सीरीज सत्यम वचन, की जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं वो आप लोगों के सॉल्व हो, या आपको कम से कम गाइडेंस मिले कि यार करना क्या है। वही चीज़ मैं आपसे चाहता हूँ कि आप अपनी हैप्पीनेस दूसरों को देख के मत डिसाइड करो, हैप्पीनेस अपने आप खुद ढूंढो, खुद समझो कि यार मुझे ये चाहिए लाइफ से, मुझे इस चीज़ से खुशी मिलती है। दूसरे लोगों को दूसरी चीज़ों से खुशी मिलती है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उस चीज़ से आपको खुशी मिले मोस्ट 99% ऑफ द टाइम नहीं मिलेगी। मतलब आप उस चीज़ के पीछे भाग रहे हो, भागो मत, खुद डिसाइड करो, खुद अपना खुशी का जरिया ढूंढो और खुश रहो यार। तो आपके कोई भी क्वेश्चंस हो गए कुछ भी, तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट्स से नीचे पूछ सकते हैं। अगर आपको एनोनिमसली पूछना है तो प्लीज़ गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑन सत्यम वचन, एंड वहाँ पे हम लोगों को DM कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई कि जो भी आपके लोगों के क्वेश्चंस आएंगे उनको मैं कंपाइल करके एक अलग वीडियो बनाऊं, जहाँ पे मैं उन चीज़ों का आंसर दूंगा, और आप और मास स्केल पर है कि हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं टू इम्प्रूव आवर माइंडसेट, टू इम्प्रूव आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ, हैव अ गुड लाइफ एंड टेक केयर।